की उपस्थिति मात्र से सब काम अच्छा हो जाता है, इसका भी आप स्वागत करेंगे। माननीय कलेक्टर साहब, आज मुख्यमंत्री और रेड क्रॉस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और काफी लंबे समय से रेड क्रॉस के साथ काम करते चले आ रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा सुधीर खुचके जी को, सांसद साहब को, जनाब अमर सिंह माहौर साहब को, माननीय डॉक्टर श्रीमती का और मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। सुधीर त्रिपाठी जी भी बता रहे हैं और मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। संजीव नगर जी भी हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष मैडम का स्थिति आ गई इनकी कि इनके पास रहने खाने कहीं कुछ नहीं बचा। गांव में एक टीचर थे, उन्होंने इनको अपने यहाँ रखा और परंतु इन्होंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। और उसके बाद आज अपन देख रहे हैं कि विश्व के हर देश में रेड क्रॉस है, विश्व के हर जिले में रेड क्रॉस है। और उस समय से अभी तक करोड़ों करोड़ों लोगों को भिन्न भिन्न तरह की मदद रेड क्रॉस द्वारा की जा रही है। क्या कर पाए और हमें अच्छी अच्छी प्रेरणा मिलती रहती है। आज मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि डॉक्टर गौरी बड़े विस्तृत कार्य कर रहा है, प्रेरणा बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि आज ऐसी प्रेरणा देता रहेगा और हम करते रहेंगे। रेड क्रॉस का प्रमुख कार्य अच्छे रक्त प्रदान करना, एक्सीडेंट वालों को, घायल मरीजों को, प्रसताओं को, थैलेसीमिया के ग्रसित, अन्य प्रकार के उनको प्रदान करना, ये हमारा मुख्य कार्य है। पर हमारा कनेक्शन हुआ और आप देखेंगे कि जो शासन के आदेश हैं, नाकों के आदेश हैं, एक ब्लड चाहिए तो पहले एक डोनर देगा, उसको एक ब्लड मिल जाएगा। परंतु हम लोगों का दिल भी ऐसे ही हो गया है, किसी का ऑपरेशन ब्लड चाहिए, उसका देने वाला नहीं है, हम लोग उसको दे देते हैं और उसको कह देते हैं कि जवाब हमारी ठीक हो जाए फिर आप दे जाइए। हालांकि यहाँ पे ये रिस्पॉन्स नहीं, घर वालों को लाके दिखा देते हैं कि देखिए ये महिला ये ऐसे काम कर रही है।
आप सोचते हो कि आपके घर के लिए उपयोगी है, आप ले जा सकते हैं। जब वो सहमत हो जाते हैं तो सीजन साहब से परेशान लेकर अपने घर भेज दिया जाता है। और इस हाल में वो मैं अपने 15 महिलाओं को घर भेज चुके हैं। ये अपने आप में अपने मेरे हृदय के लिए बहुत अच्छी बात है, आप फिर प्रसन्न हो गए, वरना जीवन भर वहीं रहे उससे अच्छा है ये। लॉन्गेस्ट जो महिलाओं के खोला जाए और पुरुषों के भी खोला जाए, तो महिलाओं का आप दो साल तक कैसे नहीं खोला, तो फिर 1 जनवरी 2021 में हमने वो खोल दिया। वो इंग्लैंड में सर हमको मिल गया, कमिश्नर साहब ने दिलवा दिया था, वो खोल दिया गया। वहाँ महिलाओं का खाना रहना ट्रेनिंग वो जो कुछ करते हैं, और फिर उनको ही घरवान दिखा के, तो आप प्रसन्न होंगे कि भाई 5 महिलाओं को अपने घर दे चुके हैं, और ये अपने आप अच्छी बात है। इस साल भी हम ये कार्य चालू रखेंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। के सचिव डॉक्टर आर पी शर्मा जी, जॉइंट कलेक्टर विनोद भार्गव जी उपस्थित, सभी सम्माननीय आपको सुनित है। आज का कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है, रेडक्रॉस में रेडक्रॉस के फंड से हम उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनका कोई नहीं है और जिनकी आर्थिक हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्लड डोनेशन करें, पर और भी किसी किस्म की अगर वॉलंटियर एक्टिविटी होगी तो कोशिश करें प्रेरित करने की। हाँ, यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सारे यंग लोग हैं, ज़रूर मौका दिया जाए कि वो सब कुछ आगे आकर के आप लोगों की सहायता जरूर करेंगे, ऐसा मेरी आशा है। और मैं आपको इसका आश्वासन भी उनकी तरफ से दे रही हूँ। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेड क्रॉस को बधाई, और मेरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में रेड क्रॉस और बढ़िया काम करेगी, और आप इसी तरह से और नए नए जो है कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। नमस्कार, थैंक यू। तो कुछ पंक्तियाँ और याद हो गई थी तो कुछ याद आ रही है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ चली तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई, आयु रूपी गाड़ी निकल गई, जिन कामों में हम समय व्यतीत कर देते हैं और फिर पश्चाताप होता है। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बैरंग लौट आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। अब फुर्सत के वक्त में ना सुमरन को वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। हम सभी को चाहिए कि यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, समाज सेवक भी हैं, और हर तरह की उपस्थिति यहाँ है कि हमें समय की कीमत को देखते हुए अपने जीवन को उसमें ढालने की आवश्यकता है। हम ईश्वर को मानते हैं कि जर्रे जर्रे में है, सबके अंदर है, जड़ में है, चैतन्य में है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। अगर ये भाव हमारा बना रहे तो हम सबके दुख में सहायक हो जाएंगे और परोपकार की भावनाएं भी हमारे अंदर जागृत होगी। एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान आ रहा है। एक कोई फकीर थे, वो साधन अवस्था में बैठे हुए थे। उनको साधन अवस्था में कुछ दरवेशों का दर्शन हुआ तो उन्होंने एक जो सेटिस्फेक्शन का भाव देखा मैंने, उस समय मुझे ब्लड के डोनेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आई। मैं तो ब्लड डोनेट किया, उन्होंने कहा था यार जो आज जूस पी लेना, पी लिया, उसके बाद ठीक। हमको तो ना तो हम तो स्कूटर से गए थे, स्कूटर से ही आ गए भरी दुकान में, हमें उसको फर्क भी नहीं पड़ा कि हमने ब्लड डोनेट किया। परंतु उस चेहरे पे उस मरीज के घायल अवस्था में भी, बेड पे पड़े होने के बावजूद भी, उस परिवार के चेहरे पे जो एक संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि, मैं कृतज्ञता शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक आत्मसंतुष्टि का जो भाव देखा, शायद उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। वो भाव आप लाखों रुपए भी खर्च कर दीजिए, आप नहीं कमा पाएंगे किसी भी तरीके से। काम कर रहे हैं, मुझे ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि हम जो यहाँ से गांवों के वहाँ से निकले भी हैं तो वो परिस्थितियां नहीं देखी जो मैं जबलपुर के आसपास कुछ जिलों में मैंने देखी है। मैं आपको एक मंडला जिले का उदाहरण दूंगा, आदिवासी बहुल क्षेत्र है,
और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो जिसको आप शुद्ध ग्रामीण कह सकते हो, मतलब श्री संजय कुमार पांडे, प्रोफेसर संजय कुमार पांडे एक अद्भुत व्यक्तित्व है, वहाँ आएगा कहाँ से। तो आज इनका दिन है, आज हमारे ये दूल्हा हैं, मान ग्रहण करें। श्री अमित अग्रवाल जी, श्री राम कृष्णकारी जी को बुलाऊंगा, इसे लगातार ब्लड प्रदूषण कैंप कैलाशवासी, ये इसके थोड़ा माहौल अच्छा हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं ये लोग, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उतना अभी उनको भी दे पा रहे हैं, लेकिन सम्मान कर रहे हैं अभी उनका। आमंत्रित करता हूँ बहुत सावधान प्रदूषता के साथ के लिए आए, वो ब्लडमैन कहा जाता है हमारे वाले रोड सुधीर अग्रवाल जी, ये ब्लडमैन के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं। जो अग्रवाल जी आ रहे हैं, इनका नामकरण कर दिया लोगों ने, और डॉक्टर डॉक्टर साहब इनके सिद्धि समाज की तरफ से ये बहुत काम कर रहे हैं, और लगातार एक मूवमेंट अनंतपुर की बहुत बड़ी दवाई बनाने की एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, ये अपने वहाँ कर्मचारियों के साथ अपनों को आसान पर चला दीजिए। इसके लिए एक्टिव मेडिकल सोसाइटी ग्वालियर मध्य प्रदेश, ये 92 यूनिट ब्लड सवारी साहब, ये 91 यूनिट इन्होंने किया, नंबर 88 इन्होंने 80 यूनिट ब्लड हमें दिलवाया है, मैं इनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना, सम्मान ग्रहण करें। SBI ने वो जो हमें 27 लाख की जो गाड़ी मिली है उसमें 20 लाख NCC ग्रुप हेडक्वार्टर ग्वालियर 8वीं बटालियन NCC, इसके अलावा होटल मैनेजमेंट कॉलेज ग्वालियर, उन्होंने 60 पालन फॉर 41 हनुमान भक्त परिवार सूत्री 40 यूनिट कर दिया है, कांग्रेस कार्यालय सूत्री अमर सिंह जी और अरविंद शर्मा जी दोनों आ जाए, युवा इकाई ग्वालियर ने 33 यूनिट कर दिया है, जेपी अग्रवाल ग्वालियर 20 यूनिट, गौरव गर्ग जिला अध्यक्ष निवारण हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर, ये सब हमारे टीम की हड्डी हैं, एक बार सबके लिए जानना चाहते हो तो ये तो बहुत बड़ा है। जैसे आप बोर्ड में जाएँ तो ऐसे है, पुलिस है और देने वालों अमीश साहब तो ग्रहण करते हैं, ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आदरणीय जो हमारे न्यायमूर्ति महोदय ने एक सूत्रवाक्य जीवन के लिए हम लोगों के लिए जो बोला है वो हम सब लोगों के जीवन में हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा कि हम ऐसा व्यवहार किसी के साथ न करें जो व्यवहार हमें अपने लिए स्वीकार न हो। मैं हमारे आदरणीय साथी राजू फ्रांसिस जी का नाम नहीं ले पाया और तमाम अनेक साथियों का नाम नहीं ले पाया, इसके लिए मैं सबसे आप सबसे बहुत बहुत क्षमा याचना करता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।